बच्चों, नीति के दोहे क्या हैं इसे सुनिए। वास्तव में हम सब एक समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हम और समाज के अन्य व्यक्ति सुखपूर्वक कैसे जिंदगी बिताएं, ये हमको शिक्षा नीति से मिलती है। कबीर कुछ नीति के दोहों में ये चर्चा करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके भगवान के भक्त हैं। भगवान तक पहुंचने का मार्ग कबीर को गुरु ने बताया है। कबीर चर्चा करते हैं, यदि गोविंद और गुरु, यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो सवाल उठता है कि सबसे पहले किसकी वंदना की जाए। कबीर की मान्यता है कि परमात्मा तो अमूल्य है, परम प्रिय है, सबसे अधिक प्यारा है और उस तक पहुंचने का मार्ग गुरु ने बताया है। इसलिए हम बार बार गुरु पर न्यौछावर होते हैं, गुरु पर बरिहारी जाते हैं, गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। वृक्ष कबहु नहीं फल भख है, न दीन संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। संसार में अपने अपने मतलब की बात तो सब करते हैं, किंतु प्रशंसा के सम्मान के पात्र वे हैं जो दूसरों के हित के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। हम वृक्षों का सम्मान करते हैं इसलिए कि वृक्षों में कभी अपने लिए फल नहीं लगते, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, नदियां कभी भी अपना जल नहीं पीती हैं। नदी और वृक्ष ये सदैव दूसरों के लिए ही जीवन बिताया करते हैं। जो संत हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, उपकारी हैं, भले व्यक्ति हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी नहीं बिताते, वे तो दूसरों के कल्याण के लिए ही अपना जीवन धारण करते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर।